नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही पनीर, तो शुरू करते हैं। सामग्री: 400 ग्राम पनीर के टुकड़े, 35 से 40 काजू, 3 से 4 बड़े टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक, लगभग 400 ग्राम दूध, लगभग 100 ग्राम मलाई या क्रीम, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1.5 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 2 छोटे चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच चीनी, 1 बड़ा चम्मच खाना बनाने का तेल और 1 चम्मच मक्खन। 3 से 4 बड़े टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक लें। टमाटर, मिर्च और अदरक को मिक्सी में डालिए। 35 से 40 काजू डालें और बारीक पीस लें। गरम कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल डालिए और उसमें एक चम्मच मक्खन भी डाल दीजिए। जब मक्खन पिघल जाए तो कढ़ाई में टमाटर काजू का पेस्ट डालें और चलाना शुरू करें। धीमी से मध्यम आंच में पकाएं और लगातार चलाते रहें। तेल अलग होने तक पकाएं। 2 छोटी चम्मच नमक, 2 छोटी चम्मच चीनी, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1.5 छोटा चम्मच कसूरी मेथी लें। अब सारे मसाले डालकर अच्छी तरह मिला लें। धीमी आंच में 3 से 5 मिनट तक पकाएं। तेल अलग हो जाएगा। लगभग 400 ग्राम दूध लें। आंच धीमी रखें और कढ़ाई में दूध डालें। दूध को फटने से बचाने के लिए तुरंत चलाना शुरू करें। 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच में चलाते रहें। बुलबुले बनने तक पकाएं। लगभग 100 ग्राम मलाई या क्रीम लें। अब मलाई या क्रीम डालकर कुछ मिनट तक अच्छी तरह मिलाएं। 400 ग्राम पनीर के टुकड़े लें। आखिर में कढ़ाई में पनीर डालें। हल्के हाथ से मिलाएं। ढक्कन से ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। आंच बंद कर दें। अब शाही पनीर तैयार है। एक सर्विंग बाउल में निकाल लें। रोटी या नान, हरी चटनी, प्याज और हरी मिर्च के साथ परोसें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करें।